नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 21 जुलाई 2018 का करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? 68वां देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, म्यांमार देश बना है। म्यांमार देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ग्रहण की है। दोस्तों, जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 30 नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने मिलकर की थी इसकी शुरुआत। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका सचिवालय भारत में स्थित है। ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका सचिवालय कहाँ पर? भारत देश में स्थित है। दोस्तों, इसका लक्ष्य है 2030 तक 1000 गीगा वाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना। कितना? 1000 गीगा वाट सौर ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन करना है और लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के लिए आभार आपकी सेवा यह ऐप्स का नाम है। आभार आपकी सेवा ऐप लॉन्च किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह। यहाँ के सीएम है रमन सिंह। रमन राजधानी तो रायपुर, और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं बलराम दास टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड 2018 का पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? नाबार्ड 2018 का पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है, रेपको माइक्रो फाइनेंस को दिया गया है। रेपको माइक्रो फाइनेंस को दिया गया है। दोस्तों, इस रेपको माइक्रो फाइनेंस का हेडक्वार्टर यहाँ पर, यह कहाँ पर है? चेन्नई में है, स्थित है चेन्नई में, और चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, और इसके प्रबंधक निर्देशक हैं आर एसाबेल हैं इनके निर्देशक, ऋषा बेला। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा किनारे से कितने मीटर दायरे को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया है? नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया है। तो वह दूरी है 100 मीटर। 100 मीटर है इसकी दूरी, इसके बाद ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कर सकते। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा? विश्व की पांचवी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। तो वह देश है जिसको पीछे छोड़ने वाला है, ब्रिटेन देश को पीछे छोड़ देगा और यह पांचवी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपये के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। 100 रुपये के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। तो इसके पृष्ठभाग में कौन सा चित्र आंकलन किया जाएगा? कौन सा चित्र आंकलन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है, रानी की बाब। या दोस्तों, रानी की बाब यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है।
दोस्तों बाप को ही बावड़ी कहते हैं, यह रानी की बावड़ी भी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों रानी की बाप को 22 जुलाई 2014 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। कब? 22 जून 2014 को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था रानी की बाप को। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले छठवें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले छठवें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका सही आंसर है फखर जमा बन गए हैं। यह दोस्तों कहाँ के? पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 210 रन की नाबाद पारी खेली है। दोस्तों दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? भारत देश के सचिन तेंदुलकर, भारत देश के सचिन तेंदुलकर। और इससे पहले 5 बल्लेबाजों ने भी दोहरा शतक लगा चुके हैं। पहले हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे हैं वीरेंद्र सहवाग, तीसरे रोहित शर्मा, चौथे क्रिस गेल और 5वें हैं मार्टिन गुप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इसके बाद और यह छठवें खिलाड़ी बन गए हैं फखर जमा, यह पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 वार्ता किस शहर में आयोजित की जाएगी? 2+2 वार्ता किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है यह दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत किस देश के साथ अटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सह संचालन कर रहा है? अटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सह संचालन कर रहा है। तो वह देश है जिसके साथ कर रहा है, श्रीलंका के साथ कर रहा है। कहाँ? श्रीलंका के साथ कर रहा है। तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की एक राजधानी है कोलंबो और दूसरी राजधानी है जयवर्धने पुरम। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैत्रीपाल सिरीसेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 से 8 नवंबर 2018 को एंड्राइड डेप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित होगा एंड्रॉयड डेव शिखर सम्मेलन? कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर यह है दोस्तों कहाँ? कैलिफोर्निया में आयोजित होगा। यह अमेरिका का एक शहर है, यूएसए का। दोस्तों यह हर वर्ष आयोजित होता है। इसको एडीडी के नाम से भी जाना जाता है, एडीडी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आयोजन अभी 2018 में कैलिफोर्निया में होने वाला है। इसके बाद यह वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो या इसमें कोई गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स कर में ज़रूर लिख के भेजें ताकि मैं अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय माता दी।